हेलो एवरीवन, मेरा नाम कविता है और मैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय गणित के विषय में बात करूंगी। यूं तो भारतीय इतिहास में अनेकों महान गणितज्ञों और उनके काम का वर्णन है, पर मैं उनमें से कुछ चुने हुए विषयों को ही प्रस्तुत करने जा रही हूं। शुरुआत करते हैं 16वें सूत्र से, जो कि करीब 800 से 200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में लिखी गई कई ग्रंथों का समूह है। 16वें सूत्र में यज्ञ के लिए बनाई जाने वाली अग्नि कुंड और वेदियों के आकार और माप की रचना के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे गोलाकार, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। पर इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उन अग्नि कुंड और वेदियों को आकार देने के लिए वो जिस गणित का उपयोग करते थे, उसे ही आज हम जियोमेट्री के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर बौद्धायन 16वें सूत्र के हम कुछ भाग को देखते हैं, जिसमें पहला है थ्योरम ऑफ डायगोनल्स, जो कि वास्तव में संस्कृत भाषा में लिखी गई है, किंतु सभी के पढ़ने अनुकूल बनाने के लिए मैंने इस यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है, और इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लें, जिसके डायगोनल या हाइपोटेन्यूस पे हम एक स्क्वायर रखें, तो उस स्क्वायर के क्षेत्रफल यानी एरिया बाकी के दो साइडों पर रखे स्क्वायर के क्षेत्रफल के सम के बराबर होता है, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसे कुछ इस तरह लिखा गया है, पर उसे हम आज की गणित की भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू है 1.414216, जो कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक सही है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस की, जिसमें पहला है आर्यभट्ट साइन टेबल, जिसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में लिखी गई आर्यभाटिया में है। इसमें लिखे गए शब्द वास्तव में एक संख्या है जो एक लंबाई को बताती है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हम एक सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरह बनाए, जिसका सेंटर से एंगल हो ए और बी, और उसके परपेंडिकुलर साइड्स हो पी ए एंड पी बी, जिसे हम हाफ कॉर्ड या ज्या अर्ध्या भी कह सकते हैं, तो इन एंगल के साइन का डिफरेंस को कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि हम इस एंगल को 3.75 डिग्री के स्टेप साइज में आगे बढ़ाएं और आर की वैल्यू 3438 रखें, तो हमें संख्या मिलेगी 224, जो कि इस साइन टेबल के दूसरे वैल्यू से मैच करती है। इसी प्रकार हम इस साइन टेबल से 0 से 90 डिग्री के स्टेप साइज, 0 से 90 डिग्री तक 3.75 डिग्री के स्टेप साइज में अलग अलग साइन डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे टेबल ऑफ फर्स्ट डिफरेंस भी कहते हैं। दूसरा है माधवास साइन सीरीज, जो कि साइन सीरीज का पहला एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इसका प्रूफ हमें उनके शिष्य नीलकंठ और ज्येष्ठ देव द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में मिलता है। अब हम बात करते हैं गणित में काफी यूज होने वाला पाई की। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियन एंड इजिप्शियन सभ्यता में करीब 2500 ईसा पूर्व पाई की एक रफ वैल्यू यूज की जाती थी, किंतु इसका कोई प्रूफ या प्रमाण मौजूद नहीं है। उसके बाद सर्वप्रथम 250 ईसा पूर्व आर्किमिडीज ने पॉलीगॉन और सर्कल को यूज करके पाई की एक वैल्यू दी थी, जो कि 3rd डेसिमल प्लेस तक सही है। उसके बाद 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभाटिया में भी इसका जिक्र है, किंतु सर्वप्रथम इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला माधवा ने 14वीं शताब्दी में अपने इनफाइनाइट सीरीज से दिया था, जो कि 11 डेसिमल प्लेसेस तक सही है। इस इनफाइनाइट सीरीज को हम माधवा पाई सीरीज भी कहते हैं। अगला है पिंगला सीक्वेंस। आचार्य पिंगला ने करीब 200 ईसा पूर्व अपने द्वारा रचित छंद सूत्र में मेरु प्रस्तरा का जिक्र किया था, जिसे बाद में 11वीं शताब्दी में हला युद्ध ने सिंप्लीफाई किया, जो कुछ इस तरह दिखता है, जिसको जिसे हम मेरु प्रस्तरा कहते हैं। मेरु का अर्थ है माउंटेन पीक और प्रस्तरा का अर्थ है स्प्रेड, यानी कि एक ऐसा आकार जो पहाड़ की तरह नीचे की ओर फैला हो। इसमें लिखे गए अंक उस समय यूज होने वाले हिंदू अरबी लिपि से ली गई है। इसी मेरु प्रस्तरा को आज हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसे ब्लेस पास्कल ने 17वीं शताब्दी में दिया था, और इसी पास्कल ट्रायंगल से हमें फिबोनाची सीक्वेंस भी मिलता है। ये प्राचीन भारत के कुछ प्रसिद्ध गणितज्ञों की काल्पनिक तस्वीरें जो मैंने विकिपीडिया से ली हैं। इन सबसे जुड़े डिटेल्स के लिए आप इन रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।